तो आज हम लोग बना रहे हैं बैंगन का भरता। मैंने बैंगन को भूनने के लिए रख दिया है। उससे पहले मैंने एक स्टेप किया है, मैंने बैंगन के बीच में छोटे छोटे चीरे लगा दिए हैं, जो कि बिल्कुल भी अलग नहीं किया है, कट्स लगा दिए हैं। और पूरे बैंगन को अच्छे से वॉश करके उसके ऊपर पूरा वेजिटेबल ऑयल लगा दिया। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनको जो है अच्छे से प्रॉपर भून लेंगे कट लगा करके। ऑयल लगाने का एक ही रीज़न होता है कि जो छिलका है वो बहुत आराम से अलग हो जाए और जो बैंगन है वो अंदर तक भुन जाए। अब हम इनको प्रॉपर और अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के लिए हम लोगों को इनको समय समय पर पलटते रहना है और ये भी देखना है, ध्यान रखना है कि ये जले ना। मैं डंठलों के साथ भून रही हूँ और यूजुअली बैंगन के भरते के लिए बैंगन डंठलों के साथ ही भुने जाते हैं। अब हम इनको बार 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 पलट के अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत इजीली भुन जाते हैं। अगर आप जाली पे रख के भूनेंगे तो गैस भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए ये भुन गए हैं और आप देख रहे हैं कि छिलका देखिए कितनी आसानी से उतर रहा है। इसका रीज़न यही है कि हमने पहले इसके अंदर कट्स लगा दिए थे। कट्स लगाते टाइम हमने बैंगन को बिल्कुल अलग नहीं किया था, हाफ हाफ कट्स लगा दिए थे कि बस बैंगन के बीच में से हवा पास होने की जगह हो जाए, वो अंदर से अच्छे से पक जाए, और ऊपर से ऑयल लगा दिया था। अब ये देखिए बैंगन अंदर से भी पक गया और देखिए छिलका कितनी आराम से उतर रहा है। आप अगर बिना ऑयल के आप करते हैं, भूनते हैं बैंगन को, तो छिलका जो है वो आसानी से नहीं उतरता है। देखिए कितने आराम से ये जो पूरा छिलका उतर गया है। और आप अभी जब मैं थोड़ा छिलका उतार रही हूँ तो देखना उसके बाद ये अंदर तक भी अच्छे से भुन गया होगा। ये देखिए ये अंदर से भी अच्छे से भुन गया है। बैंगन भरते के लिए लेने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि बैंगन लाइट वेट वाला लीजिएगा और साइज़ का बड़ा लीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो बीज कम निकलते हैं अंदर, और दूसरा उसके अंदर कीड़े जो होते हैं वो होने की भी कम संभावना रहती है। बैंगन बड़ा फूला हुआ हो और लाइट वेट में हो। तो चलिए अभी हम अच्छे से इसको बैंगन के भरते के लिए बैंगन को साफ़ कर लेते हैं। मैं बहुत आराम आराम से देखिए छिलका उतार रही हूँ और बहुत इजीली उतर रहा है। ये देखिए पूरा छिलका उतर गया। अब मैं जो थोड़ा बहुत इसके ऊपर छिलके के पार्टिकल्स रह गए हैं मैं उनको वॉश कर लूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे मुँह में ना आए। बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स भी अगर आते हैं तो बैंगन के भरते का जला जला सा टेस्ट आता है, एक स्मोकी और भुना हुआ टेस्ट नहीं आता। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया और देखिए एक्सेस वाला कितना जो है इसका जो छिलका है, जो छोटे छोटे इस पे रह गया था पार्ट छिलकों का, वो कैसे आराम से पानी से उतर के देखिए थाली में आपको नजर आ रहे होंगे। अब हम इसको अच्छे से साफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो बैंगन की डंठले हैं, बैंगन की डंठलों को हम इससे बैंगन से अलग कर देंगे। वो कैसे अलग करना है, जब हम भूनेंगे कट्स लगा के तो वो इजीली अंदर तक जो है वो पक जाएंगे, और पकने के कारण वो बहुत आराम से अंदर से डंठलों के साथ बैंगन जो है वो अलग हो जाएगा। अगर हम कट्स वगैरह नहीं लगाते तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है, क्योंकि वहाँ तक पकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देखिए बैंगन बहुत अच्छे से पक गया और मैं बहुत ज़बरदस्ती डंठलों से नहीं निकाल रही हूँ, जो आराम से उतर जा रहा है मैं बस वही निकाल रही हूँ, क्योंकि वही बैंगन बस पका हुआ होगा जो आराम से उतर गया है। आप ध्यान रखें कि अच्छे से बैंगन को पका लें, क्योंकि अच्छे से अगर आप बैंगन को पका लेंगे तो आपको छीलने में और उनको मैश करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए इस बैंगन में थोड़े थोड़े बीज हैं, मैं उनको भी निकाल के अलग कर रही हूँ, क्योंकि बैंगन के भरते में अगर हम बीज वगैरह डाल देते हैं तो बैंगन के भरते का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा मोटे मोटे बीज बैंगन के भरते में होते हैं, हमारा टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो मैं छोटे छोटे बीज जो थोड़े बहुत हैं वो भी अलग कर रही हूँ, और अलग करने के बाद हमारे पास ये सारा कचरा बचा है। देखिए यहाँ बीज मैंने निकाल दिए हैं, मैं छोटे पतले जितने बीज हो सकते हैं निकाल देती हूँ, और अब मैंने पूरे बैंगन को अच्छे से मैश कर लिया है। चलिए अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाला है। हमारे यहाँ ऑयल बहुत कम यूज़ किया जाता है, तो मैंने बहुत थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच बस ऑयल लिया है पूरे भरते के लिए। अब मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्ची ऑलरेडी काट के रख ली है, मैं और कुछ नहीं डालने वाली, सिर्फ प्याज टमाटर और हरी मिर्ची ही डालने वाली हूँ। यूजुअली मैं बहुत कम मसाले सब्जियों में यूज़ करती हूँ, रीज़न के सब्जियों का एक पर्टिकुलर टेस्ट सब्जी में बना रहता है। अगर हम बहुत ज़्यादा मसाले उसमें डालेंगे तो सब्जी का अपना टेस्ट नहीं रहता। तो देखिए प्याज टमाटर मिर्च मैंने पहले से काट ली है और अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। ये देखिए
मैं तड़के में सबसे पहले प्याज डाल रही हूँ। मैं भरते में कोई जीरा वीरा कुछ नहीं डालती हूँ, सीधा प्याज डालती हूँ। देखिए मैं प्याज डाल रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली प्याज वगैरह के बिना जो है भरता मुझे अच्छा नहीं लगता। इवन हमारे घर में कोई नहीं खाता, तो नवरात्रों वगैरह में हम लोग प्याज व्याज क्या बैंगन वैंगन भी यूज़ कम ही करते हैं, तो तब की हमें कोई टेंशन नहीं होती। तो देखिए अभी मैंने प्याज अच्छे से भून लिए हैं और अब मैं टमाटर और हरी मिर्च भी इसमें डाल रही हूँ, और इसमें डालने के बाद हल्का सा बस टमाटर को चला दूँगी। मैं टमाटर को अभी इसमें भूनने नहीं वाली हूँ, बस हल्का सा इसमें चलाने के बाद, ये देखिए मैं ज़्यादा इसमें अभी भूनने नहीं वाली हूँ क्योंकि जब बैंगन के साथ पकेंगे तो टमाटर का रस बैंगन में आएगा और उसमें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो मैं अभी इसमें नहीं भून रही हूँ ज़्यादा, बस अब हम इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मसाले डालने की तैयारी करते हैं। आप देख रहे हैं, देखिए मैंने बिल्कुल भी नहीं इनको भूना है, बस आपको हल्का सा देखिए मैं आपको मिला के दिखा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी, बस दैट्स इट। मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। आप नमक मिर्च और हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए बस मैं तीन चीज़ें ही डाल रही हूँ, मैं और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, और इन्हें अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। देखिए मैंने अभी भी आपने देखा है कि टमाटर बिल्कुल भी भूने नहीं हैं। भून सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बस बैंगन के साथ ही उन्हें पकाऊंगी ताकि टमाटर का पूरा टेस्ट बैंगन में आ जाए। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। आप चाहो तो जो लोग ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना ऑयल होता है कि मसाला नहीं चिपकता। मैं ऑयल कम डालती हूँ, हमारे घर में कम ऑयल खाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा पानी इसमें डालना पड़ेगा ताकि नीचे ना चिपके। मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला डाला है, बस हल्का सा, थोड़ा सा पानी और डालूंगी और बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बहुत हल्की करछी से मैं इसको बहुत अच्छे से हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इसको, देखो टमाटर आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं भूने हैं। अब जो ये जो थोड़ा बहुत हमारी इसमें ग्रेवी हो गई है, ये बैंगन के साथ उसमें टमाटर और पकेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा पानी जो डाला था उसके बाद जो टमाटर वगैरह हैं वो अपना पानी छोड़ रहे हैं, और ये देखिए मैंने अब भरते के लिए बैंगन जो है मैश किए थे वो इसमें मिला दिए हैं। अच्छे से इसमें मिलाने के बाद ये देखिए मैं इसमें अच्छे से मिला दूंगी। बहुत ही सिंपल सोबर रेसिपी है, बहुत ही सादगी से बनी हुई रेसिपी है। मैं कुछ ज़्यादा तामझाम दिखाती भी नहीं हूँ, जो हमारे घर में खाया जाता है, जो हम लोग खाते हैं, मैं वही आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से बैंगन का भरता ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना। बस मैंने जो बैंगन इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे से हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इसको कम फ्लेम पर लिड लगा दूँगी इसके ऊपर, और लिड लगाने के 5 मिनट तक मैं इनको अच्छे से इसको बैंगन को अच्छे से पका लूँगी। और पकाने के बाद बस रेडी है हमारा बैंगन का।